हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं सुबह सुबह जाने वाला हूँ वीडियो बनाने कहीं और घूम घुमा। अरे कहना क्या चाहते हो? जाएंगे वीडियो बनाने, शॉर्ट वीडियो अपना। तो मैं अभी कर रहा हूँ कपड़ा प्रेस यहाँ पे, देखिए मुझे मेरे घर पे कोई कपड़ा पर प्रेस करने वाला नहीं है। हाँ, तो मेरे घर पे खूब ढेर सारे लोग, लेकिन कोई किसी का कपड़ा पड़ा ना धोता ना प्रेस करता। आप लोग देखा है ना, इधर बैठी है मोटी, कोई सुनता नहीं, सब बीमार है, सबको बुखार है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोगों से अपना शर्ट प्रेस करने के बाद। निकल लेते हैं प्रेस। आप लोगों को मैं लेकर चलूंगा कहाँ पे मैं चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, हम नहा वा लिया है, अब होंगे तैयार, जाएंगे शॉर्ट्स वीडियो बनाए, देखते हैं कहाँ पर जाते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से तैयार होने के बाद। तो फ्रेंड्स, हो चुके हैं हम तैयार, जाकर अब अपना शॉर्ट्स वीडियो बनाएंगे। और फिलहाल अब हम तैयार हो चुके हैं। आज मैं हमने ये पहना है, अपने भैया का शर्ट पहना है, नहीं नहीं मेरा ही। और खाएंगे अब खाना, जो भी कुछ बना रहेगा खा कर जाएंगे। अब जाएंगे अपना शॉर्ट्स बनाने। प्लीज़ तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और मेरे शॉर्ट्स को यार वायरल करा दो, प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करो। खाना रोटी सब्जी अब खाएंगे जल्दी जल्दी और जाएंगे वीडियो बनाने। आपको बताया मैं शॉर्ट वीडियो बनाने जाऊँगा, तो तब तक मैं खा लेता हूँ अपना खाना, तब तक आप लोग मेरा वीडियो इन्जॉय करिए। घर से तैयार और होके शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए अपना, अब देखते हैं कहाँ पे यार, कहीं पे हमारे अगर कोई लोकेशन ही नहीं है। और आज देखिए, आज मौसम बारिश का ही, आज तो देखिए आज भी मौसम बारिश का ही हुआ है, तो इस वजह से ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, नहीं तो जाते कहीं दूर जाकर कहीं वीडियो बनाते हैं। तो देखते हैं कहाँ पे जाते हैं और वीडियो बना के मिलते हैं आप लोगों से। बाय बाय। गए भी और वीडियो बना भी लिए शॉर्ट्स अपना, घर चले हैं। अब देखिए मेरा हालत एकदम गर्मी से परेशान हो गया है, अब जा रहे हैं चरी काटने, क्योंकि बारिश के समय थम गया है, बारिश खत्म हो गया है, तो चरी भी तो काटना जरूरी है ना, भैंस खाएगी क्या मेरा। तो मिलते हैं आपसे चरी काटने के बाद, यहाँ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, चरी काट लिए हैं, अब चलेंगे घर से, आएंगे और आराम से सोएंगे। बाय बाय। तो फ्रेंड्स, अब ना वीडियो शॉर्ट बना के जो आ चुके हैं और सारा काम धाम कर लिए हैं और शाम हो चुकी है। और मुझे एक देखिए दो दो फौड़ा लिया था और मुझे अब बोना है चरी। मेरा भाई एक अनोखा चरी लाया है, जो एक बार बोने पे कम से कम 7 साल तक आप काट सकते हो, उसके बाद दोबारा आप बोएंगे तब जाके वो स्टार्ट होगा फलना। तो आइए देखते हैं वहाँ पे रहा वो चरी लेकर। तो चरी वाली बोले हैं, टकलू आ रहे हैं, ये रहे टकलू। खोपड़िया दिखा रही है। जब हम आते हैं तो सभी लोग चले आते हैं, बिल्कुल तो मेरे पीछे पीछे चले आते हैं। ये देखिए, वो देखिए, उनको उनको सबको देखिए, आप लोग उनको देखिए, घास में वो जंग में घुस रहे हैं। आप देखिए आप लोग उनको उनको उन लोगों को देखिए, बासवारी में लोग सांप मारने गए हैं। बो चुका है यहाँ पे, विपुल आ गए हैं हमारी सहायता करने के लिए। टकलू महाराज थोड़ा बहुत सहायता कर देंगे हमारी। अब मैं यहाँ पे थक चुका हूँ सारा बना बना के, अब विपुल कुड़ाई कर रहे हैं। इतने लोग तो मिल के चरी लगा रहे हैं, हाई लड़की की तरह। सर में थोड़ा थोड़ा सा दूध बच गया था, तो मैं सोचा उसको किस तरीके से खपाऊं, मतलब खत्म करूं। तो मैं एक और मतलब रेसिपी लेकर आया हूं, झटपट बनने वाली। आपका अगर ज्यादा घर पे दूध है, गांव में तो काफी दूध रहता है, तो कुछ भी आप बना सकते हैं। देखिए इस तरीके से मैंने क्या बनाया है फ्रेंड्स, इतना लमसम एक लीटर दूध है, इसे मैंने उबलने के लिए रख दिया है। और इसे काफ़ी अच्छी उबाल ला लेना है। और आप अगर इलायची इसमें डालना चाहते हैं तो आप इसमें इलायची डाल सकते हैं। और आपको दूध चाहिए लमसम एक लीटर, और ये बादाम इतना कम से कम लमसम, ये अब इतना मुझे पता नहीं लेकिन ठीक ठाक, आरा रोट या आप कस्टर्ड पाउडर ले सकते हैं, मेरे पास आरा रोट है। तो मैं लमसम ये ठंडा दूध में, ये हमने यहाँ पे ठंडा दूध रखा है, इसमें एक चम्मच डाल कर अच्छे से घोल लिया है। उसके बाद जब काफ़ी अच्छे से ये उबाल आ जाएगी तब हम इसमें डालेंगे। तो इसे आगे देखिए किस तरीके से बनाते हैं। बस एक चम्मच लिया आरा रोट और इसे ठंडे दूध में ही घोलना है, क्योंकि इसमें मतलब इससे गांठ गुठली बनने का डर रहता है, इसलिए इसे ठंडे दूध में
अच्छे तरीके से घोल लेना है और अब दूध को काफ़ी अच्छा उबाल ला लेना है, तभी इसको हम उसमें दूध में डालेंगे। और फ्रेंड्स हमें बीच बीच में इसे अच्छे से चलाना है, इसे नीचे बैठने नहीं देना। अगर ये बैठ जाएगा तो जलने लगेगा, अगर ये जल जाएगा तो स्वादिष्ट नहीं लगा, इसका जलने की बू आएगी। इस वजह से इसे अच्छे से हमें खूब अच्छे से चलाना है इसको और अच्छे से इसे उबाल लेना है। इसको डालने से पहले एक बार हिला लेंगे, देखिए इस तरीके से नीचे बैठ जाता है। इसको आराम से हम एक देखिए इस तरीके से डालते जाएंगे और ऐसे उसे अच्छे से हिलाते जाएंगे ताकि ये नीचे ना बैठे। इस तरीके से हमें इसे डालना है। तो जब तक हम बना रहे हैं तब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, मिलते हैं इसे बनाने के बाद। फ्रेंड्स काफी अच्छा गाढ़ा हो चुका है हमारा दूध, अच्छे से गाढ़ा। इस स्टेज पे हमें अब आप चीनी डाल सकते हैं, जितना आपको मीठा चाहिए उतना आप इसमें चीनी डाल दीजिए। और पीछे मेरी भाभी बर्तन धो रही, खटपट कर रही है, उसको माइंड मत करिएगा। अब हमारा ये देखिए तैयार हो गया है। अब इसमें हम बादाम डाल देंगे, मेन चीज ये बादाम शेक बना रहे हैं। हम लोग गाँव में इसे कहते हैं मेवाड़। अगर आपके पास केसर है तो आप इस स्टेज पे केसर भी डाल सकते हैं, हमारे पास नहीं है, हम नहीं डाल रहे हैं। और अगर आपका वो कस्टर्ड पाउडर फ्लेवर वाला रहता है तो अच्छा कलर आता है। मेरा खसखस क्या कहते हैं सारा रोट है, इस वजह से कलर इसमें अच्छा नहीं आया है। और मेरे पास फूड कलर भी नहीं है, इस वजह से जुगाड़ से सब बनाया है। तो फ्रेंड्स देखिए हमें जैसा थिकनेस चाहिए उस तरीके का हो चुका है। और इसे अब हम चूल्हे से उतार देंगे, इसे अब इतना ठंडा कर देंगे कम तब छूने लग या रूम टेम्परेचर हो जाए, उसके बाद इसे हम फ्रिज में रख देंगे। अगर आप ओवरनाइट रखना चाहते हैं तो ओवरनाइट, मैं रात में बना रहा इसलिए अब इतने टाइम तो कोई इसे पिएगा नहीं, इसलिए मैं रात भर फ्रिज में रखूँगा। और सुबह में आप अच्छे तरीके से ये हुआ है। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेगा। और मैं मेवाड़ नहीं दिखा पाया क्योंकि सभी लोग रात में ही सपा सप कर दिए हैं उसको।